नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अबुआ आवास योजना के इसी फ्रेश कमाल वीडियो में। दोस्तों, अबुआ आवास योजना को लेके बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही। बिल्कुल दोस्तों, अबुआ आवास योजना को लेके उन सभी लाभार्थी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही जो लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि जो नया कार्य है अबुआ आवास योजना का वो कब तक प्रारंभ होगी, मतलब कितने जो टारगेट है वो नया आने वाले, कब तक नया जो कार्य वो प्रारंभ होने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, इसको लेकर जो अपडेट है वो कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी जो घोषणा है वो भी कर दी गई है माननीय श्री चंपा सोरेन जी के द्वारा। साथ ही साथ दोस्तों, उन सभी लाभार्थी के लिए भी बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जो लोग अब वो आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, यानी कि तो पहली किस्त के बाद अब दूसरी किस्त का इंतजार कर रहे हैं। तो उन सभी के लिए भी दोस्तों बहुत बड़ी जो अपडेट है वो निकल के आ रही है। तो आज की इस वीडियो में आपको सारे डिटेल बताने वाले हैं, लेकिन इससे पहले तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना आप लोग भूल जाते हैं, इसलिए बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हम लोग जानकारी की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं नए कार्य की। बिल्कुल दोस्तों, नए अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं यानी कि दोस्तों नया टारगेट का वेट कर रहे थे, तो सबसे पहले उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, माननीय चंपा सोरेन जी के द्वारा एक पेपर कट जो है वो शेयर किया गया उनके फेसबुक प्रोफाइल पे, जहाँ पे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं पेपर कट में क्लियर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अधिकारियों को दिया अस्पष्ट निर्देश, पूरी पारदर्शिता के साथ काम आगे बढ़ाएं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, जरूरतमंदों के बीच 4.5 लाख अबुआ आवास का आवंटन जल्द। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि चंपा सोरेन जी के द्वारा दोस्तों ऐलान कर दिया गया है कि यहाँ पे 4.5 लाख लाभार्थी को जो है नए अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस बार जो है अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरे और एक बरांडा के साथ ही दोस्तों जो अटैच शौचालय है, बिल्कुल दोस्तों अब अटैच बाथरूम भी आपको मिलने वाले हैं। मतलब दोस्तों समझ रहे, इसका जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, जहाँ पे दोस्तों अब जो है आपको अटैच बाथरूम भी मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर हम लोग आगे न्यूज को पढ़े तो यहाँ पे देख सकते हैं, चंपा सोरेन बहुत जल्द अबुआ आवास का आवंटन शुरू करने जा रही है। चालू वित्तीय वर्ष में 4.5 लाख परिवारों को अबुआ आवास का आवंटन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि पूर्व में स्वीकृत आवेदनों के तहत चालू वित्त वर्ष के अबुआ आवास का आवंटन पूरी पारदर्शिता के साथ जल्द शुरू करें। उन्होंने राज्य सरकार के 3 कमरों के अबुआ आवास योजना के स्वच्छ भारत मिशन के शौचालय निर्माण, बिल्कुल दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमने आपसे को बताया कि शौचालय निर्माण योजना को जोड़ने का निर्देश भी दिया है। मतलब दोस्तों अब आपको इसके साथ शौचालय भी मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं, जो अबुआ आवास स्वीकृत हो चुके हैं वहाँ इस योजना के तहत शौचालय निर्माण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मतलब जो अबुआ आवास निर्माण हो रहे हैं ना, मतलब जिनको अबुआ आवास योजना के तहत पहली किस्त का लाभ मिल चुका है उनको भी दोस्तों जो शौचालय योजना का लाभ है वो अब मिलने वाला है। 2 लाख अबुआ आवास का जो है लाभार्थी को दिए गए थे, और इस बार दोस्तों 4.5 लाख जो अबुआ आवास है वो मिलना है। जो भी लाभार्थी दोस्तों आवेदन कर चुके थे, अब जिनका भी नंबर पहले आएगा उनको दोस्तों अबुआ आवास योजना के तहत जो नए कार्य शुरू होंगे उसमें जोड़ा जाएगा। मतलब दोस्तों जो नया सूची जारी होगी ना, उसमें उन सभी लाभार्थी को जोड़ा जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों क्लियर लिखा हुआ है कि जो एक योग्य लाभुकहीं को जो है अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। मतलब दोस्तों जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, बेघर लाभार्थी है, उनको ही अबुआ आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो ऐसे लाभार्थी बिल्कुल अप्लाई ना करें या फिर बिल्कुल आस में ना रहे कि आपके पास पक्की मकान है और आप अच्छे फैमिली से आते हैं और आपको अबुआ आवास मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, क्योंकि अधिकारी को दोस्तों सख्त निर्देश जो है चंपा सोरेन जी के द्वारा दे दिया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं उन सभी लाभार्थियों के बारे में जो लोग दोस्तों अबुआ आवास योजना का लाभ जो है पिछले वित्तीय वर्ष में ले चुके, यानी कि 2023-24 के अंतर्गत जो लाभार्थी अबुआ आवास योजना का लाभ ले रहे हैं, पहली किस्त का लाभ मिल चुका है। और अगर दोस्तों आप जो है तल्ली तक का जो कार्य कंप्लीट हो चुके हैं, जो बेसिक कार्य कंप्लीट कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं दोस्तों अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी किस्त आपको कब तक मिलेगी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि अबुआ आवास योजना का जो दूसरी किस्त है दोस्तों आपको जियो टैग कराने के बाद मिलेगी। बिल्कुल दोस्तों, अगर आपका तल्ली तक का कार्य पूरा हो चुका है तो जल्द से जल्द जियो टैग करा लो। जियो टैग करने के बाद दोस्तों आपके फैमिली का कोई भी एक व्यक्ति का जो जाति निवासी है ना वो आपको देना है, वो जमा करना है दोस्तों आपको अपने पंचायत सचिव के पास, ठीक है। पंचायत सचिव के पास जमा करने के बाद दोस्तों जो आगे का प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा, और दूसरी किस्त की जो राशि है दोस्तों वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी, ताकि दोस्तों आपका जो घर का काम है वो जल्द से जल्द पूरा हो सके। और दोस्तों मैंने जो पहले
पहले बताया आपको कि जो नए टारगेट है वो कब तक जारी होंगे, तो जो नया टारगेट है दोस्तों वो इसी महीने के अंत तक में जारी हो सकती है, मतलब जो नए लाभार्थी हैं उनको कब तक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों जो नए लाभार्थी हैं उनको दोस्तों इस महीने के लास्ट तक में जो है लाभ मिलने का पूरा चांस है, मतलब नए टारगेट जारी किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों पता चल जाएगा कि आखिरकार कौन कौन से पंचायत के अंतर्गत, कौन कौन से ब्लॉक के अंतर्गत कितने लाभार्थी को लाभ मिलना है। तो फिलहाल दोस्तों अभी अबुआ आवास योजना को लेकर यही अपडेट निकल के आ रही थी, सोचा क्यों ना भैया आपके साथ भी शेयर कर दिया जाए। दोस्तों कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए। साथ ही दोस्तों अबुआ आवास योजना संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बता दो, मैं दोस्तों 100% जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।